कोलियस को पानी में क्यों ग्रो करते हैं, कोलियस को रूटिंग स्टार्ट करवाने के लिए हम पानी में ग्रो करते हैं, इसकी बेस्ट रूटिंग जो है वो पानी में स्टार्ट होती है। पानी में कोलियस की रूटिंग जल्दी होती है, मिट्टी में जो है वो इसे टाइम लगता है। कोलियस को जब पानी में लगाते हैं तो पानी देने की जरूरत नहीं रहती और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। मिट्टी में लगाए कोलियस का पानी कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल होता है। मिट्टी में बगैर रूट्स के कोलियस को लगाने से चांसेस होते हैं कि फंगस जो है वो कटिंग्स को खराब कर देता है। पानी में जब कोलियस लगाएं तो एक वीक बाद कोलियस का पानी जो है वो चेंज कर दें ताकि पानी में जो है वो फंगस वगैरह जो है वो डेवलप ना करे। ये देखें इस तरह से साफ सुथरी रूट्स होनी चाहिए, रूट्स गंदी नहीं होनी चाहिए। जब आप पानी चेंज करते रहेंगे तो ये ग्रो करती रहेंगी। जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो मिट्टी में लगे कोलियस जो है उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम में आप कोलियस कटिंग्स को पानी में लगा सकते हैं और ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे जो है वो ज्यादा ठंड ना हो, कोलियस कटिंग्स जो है उनको रोशनी मिलती रहे, 20 से 25 के अराउंड टेम्परेचर जहाँ पे हो रूम में आप इसे रख सकते हैं। पानी में कोलियस काफी टाइम तक फ्रेश रहता है, इवन पूरा विंटर सीजन भी आप इसे पानी में रख सकते हैं और इसे जो है वो इस तरह से बचा सकते हैं। मिट्टी में लगे हुए कोलियस होते हैं, पॉट्स में लगे हुए होते हैं, उनको बचाना जो है वो सब सीजन में मुश्किल हो जाता है। पानी में इसके रूट्स जो है वो काफी अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है, जो एग्जिस्टिंग इसके लीव्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आपके पानी में क्लोरीन या फ्लोराइड जो है वो ज्यादा है तो आप कोलियस को बॉटल वाटर दें।